फिलहाल में कुछ ब्रोकरेजेस बुलिश है, उसी शेयर के साथ शुरुआत करते हैं, क्या है रेडार पर? देखिए, सही कहा आपने कि रियल एस्टेट पे मोतीलाल ओसवाल जो है वो बुलिश है, और ओबेरॉय रियल्टी ये उनकी टॉप पिक है इस सेक्टर में अगर आपको खरीदना है तो, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट इसकी काफ़ी स्ट्रांग है और डेट लेवल्स जो है वो काफ़ी कम है इस कंपनी के, आगे जाके अच्छे खासे फ्री कैश फ्लो ये जनरेट कर सकती है और इसके लिए 574 का प्राइस टारगेट इन्होंने ओबेरॉय रियल्टी पे दिया है। अगला जो है वो है फार्मा क्षेत्र की कंपनी अरबिंदो फार्मा, यहाँ मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहा है, 920 रुपये के आसपास के प्राइस टारगेट इन्होंने दिया। इनका कहना है कि जो ANDA फाइलिंग्स इन्होंने की है वो काफ़ी ज़्यादा है और जिसका भरपूर फायदा इस कंपनी को आगे जाके मिलता हुआ दिखाई देगा, इंडस्ट्री को हो सकता है या आउट परफॉर्म भी करे। IGL रेलीगेयर यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, 315 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि CNG और PNG का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो काफ़ी कम है, उसके चलते इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रो करने की और ये सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है ये कंपनी के लिए, और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहीं कंजम्पशन थीम पे रेलीगेयर बेट कर रहा है और इमामी पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 496 रुपीज़ के आसपास के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि कंजम्पशन आगे काफ़ी बेहतर थीम हो सकती है और रूरल एक्सपोजर जिन कंपनीज का काफ़ी बेहतर है वहाँ खरीदारी करके चले और इसके लिए इमामी इनकी बैठे। और आखिरी स्टॉक जो है वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, एक्सिस डायरेक्ट खरीदारी की सलाह दे रहा है और 410 रुपये के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए। इनका कहना है कि 4G में जिस हिसाब से नेटवर्क एक्सपांशन हो रहा है और जो 5G का आगे जाके डेवलपमेंट आने वाला है वो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत बड़ा की ट्रिगर हो सकता है और इसके लिए ये खरीदारी की सलाह। तो 5 सेक्टर्स है जिनमें ब्रोकरेज हाउस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, रियल एस्टेट, फार्मा, गैस, कंजम्पशन और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसे टेक्नोलॉजी शेयर जो है वहां खरीदारी की सलाह दी गई। चलिए, शुक्रिया वरुण।